हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टडी करते हैं क्लास 11th से एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। फर्स्ट टॉपिक सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस हमारे पास कुछ गिवन नंबर्स का अरेंजमेंट है। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं या फिर फंक्शन है, उनको अगर हम अरेंज कर दें एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक रूल के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा पैटर्न मिलेगा उसे कहेंगे हम सीक्वेंस। थोड़ा लिखते हैं, वहन नंबर्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू सम वेल डिफाइंड ला या फिर रूल। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज ए सीक्वेंस। क्या कहा? वैन नंबर्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू सम वेल डिफाइंड लॉ। जब हम नंबर्स को अरेंज कर दें एक डेफिनेट ऑर्डर में या फिर एक अकॉर्डिंग एक वेल डिफाइंड लॉ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर दें, तब इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई ए एन। किसी सीक्वेंस को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जहां एन एक नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है, एंड ए एन इज नोन एज एन थीटा of a sequence। सीक्वेंस की nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए एन से, दैट इज ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन। ए वन सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, ए टू सीक्वेंस की सेकेंड टर्म, ए थ्री सीक्वेंस की थर्ड टर्म, ऐसे ही nth टर्म को कहेंगे हम ए एन। आर नोन एज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स और फिर nth टर्म्स of a sequence। जब सीक्वेंस में हमारे पास कुछ टर्म होंगी और वे काउंटेबल होंगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते होंगे, तब उसे कहेंगे हम फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस यहाँ दो तरह के आ गए। फर्स्ट हम कहें फाइनाइट सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस जिनमें हमारे जो टर्म्स होंगी वे काउंटेबल हों। काउंटेबल, उन्हें हम काउंट कर सकते हो, तो उसे कहेंगे हम फाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट इनफाइनाइट
सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स नॉट काउंटेबल होंगे, टर्म्स जो हैं नॉट काउंटेबल, यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तब उस सीक्वेंस को कहेंगे हम इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब किसी सीक्वेंस की अगर हमें एन टर्म दी है, मान लेते हैं कि सीक्वेंस के लिए ए एन इज इक्वल टू 4n+3 है और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रख करके हम उस सीक्वेंस की टर्म्स मालूम कर सकते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1, देयर फोर जहाँ n वहाँ 1, तो ए एन मीन ए वन इज इक्वल टू 4 × 1+3, 4 × 1 = 4+3 = 7। यह हमारी आ गई गिवन सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 4n+3 के लिए फर्स्ट टर्म। पुट n इज इक्वल टू 2 रखें, 2 रखेंगे तो हमारी सेकंड टर्म ए टू इज इक्वल टू 4 × 2+3 = 8+3 = 11। ये हमारी आ गई सेकंड टर्म। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 पर थर्ड टर्म a3 4n3+3 = 12+3 = 15। तो ये सीक्वेंस था हमारा 4n+3, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 रख करके हमने फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड टर्म निकाल ली। ऐसे ही कोई भी हम टर्म निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिर सीरीज। सीरीज क्या है? अगर हमें किसी सीक्वेंस की टर्म्स मालूम है तो उन टर्म्स को प्लस साइन के साथ अगर हम शो कर दें, यानी एडिशन फॉर्म में लिख दें, तो उसे कहते हैं हम सीरीज। लेट a1, a2, a3, and so on, an बी ए सीक्वेंस। बी ए सीक्वेंस देन a1+a2+a3+an, ये 4 हमारी बन जाएगी सीरीज। इनको ऐड नहीं करना है, इनको प्लस नहीं करना है, बस प्लस फॉर्म में लिख देनी है, एडिशन फॉर्म में लिख देना है, उसे कहेंगे हम सीरीज। अब चलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज 9.1। पहले हम करते हैं एग्जांपल, हमें दिया एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 179 और एग्जाम्पल दिया है जी फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट पेज 179 क्या कहते हैं, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म। फर्स्ट थ्री टर्म लिखनी है किसकी, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फ्लोइंग। एग्जाम्पल फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट ए एन इज इक्वल टू 2n+5 एंड सेकेंड पार्ट इज ए एन इज इक्वल टू n-3/4। इनके हमें फर्स्ट थ्री टर्म लिखनी है, यानी कि a1, a2, a3 लिखना है। फर्स्ट पार्ट को हम कर लेंगे, अभी एग्जांपल किया है, मैं सेकेंड पार्ट को कर दूं। सॉल्यूशन है सेकेंड पार्ट का, वी हैव या गिवन दैट क्या दिया है, ए एन इज इक्वल टू n-3/4। निकालना क्या है, फर्स्ट थ्री टर्म, फर्स्ट टर्म दैट इज a1, a2 and a3 इज इक्वल टू व्हाट। तो ए एन दिया है, ए वन मिलेगा n इज इक्वल टू 1 रख करके, ए टू मिलेगा n इज इक्वल टू 2 रख करके, ऐसे ए थ्री मिलेगा n इज इक्वल टू 3 रख करके। पुट n इज इक्वल टू 1,
देयरफॉर ए वन इज इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई फोर, वन माइनस थ्री माइनस टू बाई फोर, दैट इज माइनस वन बाई टू. पुट एन इज इक्वल टू टू, ए टू इज इक्वल टू टू माइनस थ्री, यहाँ रखते हैं ए टू इज इक्वल टू टू माइनस थ्री बाई फोर, टू माइनस थ्री माइनस वन बाई फोर. एंड एन इज इक्वल टू थ्री, ए थ्री इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री बाई फोर, जीरो बाई फोर इक्वल टू जीरो. हैंस फर्स्ट थ्री टर्म्स आर, क्या कहा गई, फर्स्ट हमारी माइनस वन बाई टू, सेकेंड माइनस वन बाई फोर और थर्ड आ गई हमारी जीरो. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंड, एग्जांपल सेकेंड में क्या कहता है, व्हाट इज द ट्वेंटींथ टर्म, दैट इज ए ट्वेंटी इज इक्वल टू व्हाट, इसके लिए ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, यानी गिवन दैट या वी हैव ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस टू, मतलब लिख दिया जी, फर्स्ट टर्म है ए एन इज इक्वल टू है एन माइनस वन इंटू टू माइनस एन इंटू थ्री प्लस एन, ये दिया है और निकालना क्या है, ए ट्वेंटी निकालनी है. देयर फोर पुट एन इज इक्वल टू ट्वेंटी, एन इक्वल टू ट्वेंटी पुट करते हैं तो ए ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस वन टू माइनस ट्वेंटी इंटू थ्री प्लस ट्वेंटी, कितना ट्वेंटी माइनस वन दैट इज नाइनटीन, टू माइनस ट्वेंटी माइनस एटीन, थ्री प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री, साइन की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन आ गया और इनकी मल्टीप्लाई करते नाइनटीन एटीन ट्वेंटी थ्री, मैं डेट लेता हूँ बुक से देख करके, एट थाउजेंड सिक्स सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी सिक्स. एग्जाम्पल थर्ड, थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहता है, लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड बाई, डिफाइंड एज फ्लोज, ए वन इज इक्वल टू वन एंड ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू, फोर एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू टू. क्या कहा, फर्स्ट टर्म दी है ए वन मीन फर्स्ट टर्म दी है और आगे की टर्म के लिए फोर एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन टू, एन इज इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन टू, यानी कि सेकेंड टर्म और सेकेंड से आगे थर्ड फोर्थ एंड टर्म तक सीक्वेंस दिया है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू. क्या निकालना है, राइट फर्स्ट फाइव टर्म, फर्स्ट फाइव टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमारी दी है और फाइव टर्म निकालने के लिए, यानी कि फर्स्ट दिया सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालने के लिए, यहाँ एन इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव पुट करेंगे. वी हैव ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस टू, पुट एन इज इक्वल टू टू, क्योंकि सीक्वेंस किसके लिए है, एन इज इक्वल टू टू एंड ग्रेटर देन टू, तो टू रखते हैं, ए टू इज इक्वल टू ए टू माइनस वन प्लस टू, ए टू माइनस वन ए वन प्लस टू, ए वन की वैल्यू गिवन है वन, प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, तो सेकेंड टर्म हमारी आ गई थ्री. एन इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री माइनस वन प्लस टू, ए थ्री वन ए टू प्लस टू, ए टू यहाँ से निकाल लिया है, थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव. एन इज इक्वल टू फोर, ए फोर इज इक्वल टू ए
फोर माइनस वन प्लस टू ए फोर माइनस वन ए थ्री प्लस टू ए थ्री थर्ड हमारी कितनी है फाइव प्लस टू इज इक्वल टू सेवन एन इज इक्वल टू फाइव ए फाइव इज इक्वल टू ए फाइव माइनस वन प्लस टू ए फाइव माइनस वन फोर प्लस टू ए फोर ए फोर निकाल लिए सेवन प्लस टू इज इक्वल टू नाइन हैंस फर्स्ट फाइव टर्म्स आर पहली पांच टर्म हमारी कौन कौन सी है फर्स्ट टर्म ए वन वन दी है सेकेंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकाल ली ये हमारी कितने थ्री फाइव सेवन एंड नाइन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन अब करते हैं एक्सरसाइज 9.1 पेज पेज नंबर हमारे पास है 180 रीड करते हैं स्टेटमेंट राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में फर्स्ट फाइव टर्म निकालनी है जिनके लिए ए एन दी है हम ये सभी क्वेश्चन इनके 1 to 6 निकाल सकते हैं आसानी से या फिर निकाल दो कोई सा चलो फिफ्थ क्वेश्चन निकाल लेते हैं फिफ्थ में क्या दिया वी हैव एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन फाइव राइट द पावर एन प्लस वन निकालिए फर्स्ट फाइव टर्म तो पुट एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव पुट एन इज इक्वल टू वन कितना ए वन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर वन माइनस वन फाइव टू द पावर वन प्लस वन माइनस वन टू द पावर जीरो माइनस वन टू द पावर जीरो फाइव टू द पावर टू कितना आ गया वन टू द पावर जीरो वन यानी कि इसका आंसर है वन किसी भी वेरिएबल कॉन्स्टेंट के टर्म के पावर अगर जीरो तो आंसर वन फाइव टू पावर टू ट्वेंटी फाइव दैट इज 25 एन इज इक्वल टू टू रखेंगे सेकंड टर्म मिलेगी ए टू इज इक्वल टू माइनस वन की पावर टू माइनस वन फाइव राइट पावर टू प्लस वन माइनस वन टू द पावर टू माइनस वन वन फाइव टू पावर थ्री इज इक्वल टू माइनस वन की पावर माइनस साइन देगा और फाइव की पावर थ्री फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव कितना 125 एन इज इक्वल टू थ्री ए थ्री इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर थ्री माइनस वन फाइव टू थ्री प्लस वन माइनस वन टू द पावर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू प्लस टू फाइव टू द पावर फोर कितना है माइनस वन की पावर इवन है टू है तो साइन हमारा प्लस आ गया और फाइव टू द पावर फोर फाइव टू द पावर फोर फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव यानी कि चार बार फाइव की मल्टीप्लिकेशन फोर टाइम्स कर देंगे फाइव की मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया साइन तो हमारा प्लस आ गया था और फाइव से मल्टीप्लाई करनी है फाइव को इसको कर दिए हमारी फाइव की पावर थ्री थी फाइव की पावर फोर चाहिए फाइव की यहाँ मल्टीप्लाई कर दें कितना 625 एंड पुट एन इज इक्वल टू फोर ए फोर इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर यहाँ रखते हैं फोर माइनस वन फाइव टू फोर प्लस वन माइनस वन टू द पावर थ्री फाइव टू द पावर फाइव साइन हमारा कैसा आएगा माइनस का और फाइव के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे फाइव यहाँ कर देंगे कितना फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव टू टेन और फाइव सिक्स थर्टी ऐसे ही एन इज इक्वल टू फाइव रख करके हम ए फाइव माइनस वन टू द पावर फाइव माइनस वन फाइव प्लस वन माइनस वन की पावर फोर फाइव पावर सिक्स साइन हमारा कैसा आएगा प्लस का
और 5 के 6 टाइम मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा कर लेंगे। वर्ड में देंगे हैंस, फर्स्ट 5 टर्म्स आर दिस एंड दिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इंडिकेटिव टर्म इन द ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7-10 हूज एंड टर्म्स आर गिवन। क्या कहा, एंड टर्म्स दिए हैं और इंडिकेटिव टर्म निकालने, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में एन दिया है, A17 A24 इंडिकेट किया है, तो A17 A24 हमें फाइंड आउट करना है, कर लेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 181, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11-13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। A1 दिया है, AN दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन कौन सा एग्जांपल किया था, एग्जांपल हमारा थर्ड जैसे है क्वेश्चन 11-13। A1 दिया, AN n इज इक्वल टू 2-3-4 रख के निकाल लेंगे। मैं लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14, द फिबोनैसी सीक्वेंस इज डिफाइंड। फिबोनैसी सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस जिनमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों सेम होंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म्स आर सेम। नेक्स्ट जो टर्म हमारी होंगी वहाँ किसी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग दिखाई गई होंगी, ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं फिबोनैसी सीक्वेंस। जैसे हमारे पास दिया है, द फिबोनैसी सीक्वेंस डिफाइंड बाय, वी हैव कैसे डिफाइंड किया है, 1 = A1 = A2 एंड An इज इक्वल टू An-1 + An-2 एन इज ग्रेटर देन 2। यानी कि यहाँ क्या, फर्स्ट टर्म भी हमारी 1 है, सेकेंड टर्म भी हमारी 1 ही है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड टर्म इज आल्सो 1। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए हमारा सीक्वेंस है दिया एक पैटर्न, तो ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं हम फिबोनैसी सीक्वेंस। क्या निकालना है, निकालना है An+1 / An, ये हमें फाइंड आउट करना है। किसके लिए लिखा है, फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and 5 तक हमें निकालना है। तो हम क्या करें, पहले हम n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 लिख करके An निकाल लें। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मुझे मालूम है, पुट n इज इक्वल टू 2, सॉरी फर्स्ट टर्म 1 मालूम है, 2 मालूम, तो n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो मिलेगा हमें A3 = A3-1 + A3-2 A3-1 A2 + A3-2 A1। वैल्यू पुट करेंगे, A2 A1 हमारा क्या है, 1 + 1 = थर्ड टर्म हमारी आ गई। n इज इक्वल टू 4 रखते हैं, A4 = यहीं से A4-1 + A4-2 A4-1 + A4-2 A4-1 = 3 A4-2 = 2 A3 = 2 A2 = 1 (3) N = 5 A5 = A5-1 + A5-2 कितना, A5-1 A4 + A5-2 A3 A4 हमें मालूम है 3, A3 हमने निकाल लिया 2 is equal to 5 N = 6 A6 = A6-1 (6-2) A6-1 = 5 + A6-2 = 4 A5 + A4 = 3 (8). तो हमें फर्स्ट टर्म दी थी, सेकंड दी थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मैंने निकाल ली, निकालना कौन है, अब निकालना An+1 / An। सो An+1 / An निकालने के लिए पुट
एन इज इक्वल टू वन, कहा था इसने किसके लिए, एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड फाइव के लिए, फोर एन इज इक्वल टू वन टू फाइव, वन टू फाइव के लिए हमें ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालना है। पहले में टर्म निकाल ली, अब इसको निकालते हैं, क्या आएगा, ए वन प्लस वन बाई वन इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन, देखते हैं ए टू वन ए वन भी वन, कितना वन, एन इज इक्वल टू टू ए टू प्लस वन अपॉन यहाँ रखते हैं अपॉन ए टू, ए टू प्लस वन ए थ्री बाई ए टू, ए थ्री हमारा कितना है टू बाई ए टू वन टू, पुट एन इज इक्वल टू थ्री, ए थ्री प्लस वन अपॉन ए टू, ए थ्री हमारा टू है ना, यस सर, कितना है ए फोर ए थ्री प्लस वन अपॉन ए थ्री, ए फोर बाई ए थ्री, ए फोर ए थ्री वहाँ से ए फोर था हमारा थ्री और ए थ्री है हमारा टू, आंसर आ गया थ्री बाई टू, एन इज इक्वल टू फोर, ए फोर प्लस वन अपॉन ए फोर, ए फोर प्लस वन ए फाइव बाई ए फोर, ए फाइव हमारा कितना है, ए फाइव हमारा फाइव है तो फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री एंड एन इज इक्वल टू फाइव, ए फाइव प्लस वन अपॉन ए फाइव, ए फाइव प्लस वन ए सिक्स बाई ए फाइव, ए सिक्स कितनी है, ए सिक्स है हमारा वहाँ से एट, ए फाइव हमारा फाइव, एट बाई फाइव, एट बाई फाइव, ये हमारे आ गए सभी आंसर। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 9.1 विद एग्जांपल कंप्लीट होती है। जो क्वेश्चन हमें छोड़ेंगे ट्राई करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।